हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऑड इवन प्रोग्राम की बात करेंगे। बात करें ऑड इवन की तो आपने सी, सी प्लस प्लस और जावा और जावास्क्रिप्ट में ऑड इवन का प्रोग्राम बनाया होगा। चलिए आज हम पाइथन की बात कर लेते हैं। तो यहां से पहले मैं कमेंट दे देता हूं। कमेंट देने के लिए यहां पे 3 टाइम डबल इंटेड कॉमा आप लगाइए, ये हमने दे दिया। और यहाँ पे 3 कॉमास को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे टॉपिक भी दे सकते हैं हम, एंड ऑड इवन ये लिख दिया। और अब यहां से हमको प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करना है। चलिए ये प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, ए एक वेरिएबल बना लिया हमने, इंट टाइप का ये डेटा टाइप है, और इनपुट फंक्शन यहां पे लगा दिया। यूजर को स्क्रीन पे दिखाई क्या पड़ेगा, एंटर अ नंबर। जैसे ये प्रोग्राम चलेगा यूजर को स्क्रीन पे यही दिखाई पड़ेगा, एंटर अ नंबर। जब यूजर को ये स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा तो यूजर कोई नंबर एंटर करेगा, जाहिर सी बात है। तो एंटर करेगा तो फिर यहां पर इफ एल्स की कंडीशन देंगे। तो इफ लगाया हमने, इफ ए, और यहां पे लगा दिया मॉडुलस ऑपरेटर। इसको 2 से मॉडुलस करके देखेंगे। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लगा लेते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं। हम कहेंगे प्रिंट ए इज इवन, ठीक है। हम कह देंगे ए इज इवन, ओके। और अगर ऐसा न हो तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे एल्स। ये जो कोलन लगा रहा हूं ये इफ एल्स वाले कंडीशन में ही लगता है, ठीक है। फिर एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, यहां पर दे देंगे प्रिंट, और फिर यहां पर ए कॉमा इज ऑड, ओके ये दे दिया हमने। अब क्या करना है, अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और यहां से इसको एक बार सेव कर दीजिए प्रोग्राम को। हालांकि मैंने पहले से इवन ऑड डॉट पी वाई के नाम से सेव कर रखा है। यहां से रन पे क्लिक कीजिए और ये प्रोग्राम हमारा चल जाएगा। अब यहां पर कोई नंबर एंटर करता हूं, जैसे मान लीजिए हमने एंटर किया 109, ठीक है। ये एंटर किया 109 इज ऑड आ रहा है, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कराते हैं, F5 प्रेस करता हूं, ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब यहां पर कुछ और एंटर करते हैं, जैसे यहां पे एंटर करता हूं 1। क्या 1 इवन है, नहीं, 1 ऑड नंबर है, ठीक है। फिर इसको एक बार रन कराता हूं, फिर एक बार चेक करते हैं यहां से, ठीक है। इस बार मैं 7 एंटर करता हूं, तो 7 क्या है, 7 इज ऑड, ठीक है। इसी तरह से एक और इवन नंबर ले लेते हैं एट लास्ट टाइम, इस बार हम 18 को चेक करते हैं, तो 18 इज इवन। तो इवन को इवन और ऑड को ऑड बताएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।